नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे कि 2020-21 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बच्चों का होता है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूं कि क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो कंपलसरी हो गया है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को 5 ईयर्स पर भी उन्होंने ऐड किया है। पहले 5 ईयर्स पर हम ओरल पोलियो लगाते थे, लेकिन फिर इंजेक्टेबल पोलियो भी अब ऐड हो गया है 5 ईयर्स पर। टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का सिंगल डोज रेकमेंड किया है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो पहले 2.25 ml यानी कि हाफ डोज लगाया जाता था, वो अब यूनिवर्सल कर दिया है 0.5 ml सभी बच्चों के लिए। बच्चों और बड़ों के लिए सेम डोज कर दिया है फॉर DCGI अप्रूव ब्रांड्स। ये कौन से ब्रांड्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और चिकन पॉक्स जो है उसका जो सेकेंड डोज है जो पहले 5 साल पर लगता था, वो अब पहले डोज के 3 से 6 महीने के बाद लगेगा। तो ये चेंजेस क्यों किए हैं और इन चेंजेस से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या कैसे चेंज होगा, क्या शेड्यूल में चेंज होगा, क्या डोज में चेंज होगा, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2021 में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है पोलियो वैक्सीन में। ओरल पोलियो वैक्सीन हम दिया करते हैं, अभी भी देते हैं, लेकिन जितना फ्रिक्वेंटली पहले देते थे उससे कम कर दिया गया है, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया गया है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ पोलियो वायरस ऑन 2014 ऑफ मार्च, यानी कि इंडिया जो है वो मार्च 2014 में ही पोलियो से फ्री हो गया था। लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पर वाइल्ड पोलियो वायरस और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के केसेस अभी भी आ रहे हैं। इसलिए एक ख़तरा बना रहता है कि हमारी कंट्री के बच्चे भी कई बार वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ओरल पोलियो के साथ में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को अब कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि कोई भी बच्चा जो 1 साल से छोटा है वो बिना इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लिए ना छूटे। और चूंकि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए कंपलसरी हो गई है, उसकी भी इम्यूनिटी जो है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है, इसलिए 4 से 6 साल के बच्चों को इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज कंपलसरी कर दी गई है। यानी कि एक ओरल पोलियो जो हम 5 साल पर DPT के बूस्टर के साथ लगाते हैं, उसकी जगह पर अब इंजेक्टेबल पोलियो का जो डोज है वो दिया जाएगा। IAP ने शेड्यूल में क्लियर किया है कि कोई भी बच्चा जो 1 साल से छोटा है वो छूट ना पाए इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दिए बिना। यानी कि हर बच्चा जो 1 साल से छोटा है उसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन मिलना ही चाहिए, चाहे वो हेक्सावेलेंट कॉम्बिनेशन में मिले चाहे वो गवर्नमेंट में मिले। अब इसके 3 तरह से आप इंजेक्टेबल पोलियो दे सकते हैं। या तो जो 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर हेक्सावेलेंट कॉम्बिनेशन में दिया जाता है उसके साथ में आप IPV दे सकते हो, इन्फेनेरिक्स हेक्सा या फिर हेक्सैक्सिम के साथ में। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो आप प्लीज़ चेक कीजिए। उसके अलावा आप दूसरी तरीके से दे सकते हो, जैसे कि जो गवर्नमेंट शेड्यूल में दिया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि 6 वीक्स और 14 वीक्स पर दिया जाता है। इंट्राडर्मल दिया जाता है ये 0.1 ml, ये फ्रैक्शनल IPV होता है, इसमें फ्रैक्शनल डोज दिया जाता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का। अगर ये दोनों भी पॉसिबल ना हो पाए तो एक सिंगल डोज ऑफ फुल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 14 वीक्स पर दिया जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 डोज ऑफ फुल IPV शुड बी गिवन टू ईच चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। ये जो बैकग्राउंड में आप वैक्सीन के फोटो देख रहे हैं कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन वैक्सीन हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है तो ही शुड बी सेंड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर फ्रैक्शनल IPV डोजेस, जो 2 डोज लगती हैं 1.5 महीने पर और 3.5 महीने पर। तो हर बच्चे को IPV कंपलसरी कर दिया है। 20 अप्रैल 2016 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं जिनको उसके पहले IPV नहीं लग पाया है, उनको भी एक बूस्टर डोज 5 साल की उम्र में लगना जरूरी है। और ऐसे बच्चों के लिए जो कि 5 साल की उम्र में इंजेक्टेबल पोलियो लगवाएं, उनके लिए एक नया वैक्सीन लॉन्च हुआ है टेट्रैक्सिम, जो आप फोटो देख सकते हैं, जिसमें DPT का कॉम्पोनेंट है पेनलेस वाला, और उसके साथ इंजेक्टेबल पोलियो एडेड हुआ है। तो ये टेट्रैक्सिम जो है ये आप 5 साल की उम्र में लगवा सकते हैं, पेनलेस वैक्सीन है और इससे दर्द नहीं होगा। लेकिन जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का जो अगर आपको पहले नहीं लगा है अप्रैल 2016 के पहले, तो ये डोज आपके बच्चे को चला जाएगा। तो ये एक नया वैक्सीन जो है वो इस साल लॉन्च हुआ है। सेकंड जो चेंज हुआ है 2021 के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो हुआ है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की डोज में। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो 6 महीने और 7 महीने पर हम लगाते थे, फिर एवरी ईयर लगाते थे, उसका डोज जो था वो 3 साल से छोटे बच्चों में 0.25 ml था, यानी कि आधा डोज हम लगाते थे, और 3 साल के बाद 0.5 ml एडल्ट डोज पहले लगाया करते थे। लेकिन चूंकि उसकी जो इम्यूनिटी थी वो कम आ रही थी 0.25 ml के डोजेस के लिए, इसलिए जो IAP ने इस साल
यूनिफॉर्म डोजिंग कर दिया है। यूनिफॉर्म डोजिंग मतलब वही 0.5 ml 6 महीने 7 महीने पे लगेगा, और फिर एवरी वन ईयर 0.5 ml ही लगा करेगा, चाहे वो बच्चा 3 साल से छोटा हो चाहे वो बच्चा 3 साल से बड़ा हो। लेकिन ये जो डोजिंग है ये DCGI अप्रूव दो ब्रांड्स हैं, इन्फ्लुवेक टेट्रा और फ्लुएरिक स्ट्रेक्ट्रा, इन्हीं के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं जो DCGI अप्रूव ब्रांड्स नहीं हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशंस ही कंटिन्यूड रहेंगी। अगर मैन्युफैक्चरर कहता है 0.25 ml तो 0.25 ml ही लगेगा। तो ये जो दो ब्रांड्स हैं इन्फ्लुवेक टेट्रा और फ्लुएरिक स्ट्रेक्ट्रा, जिनकी MRP 1800 रुपये के आसपास है, ये 0.5 ml फुल डोज लगेगा, 6 महीने पर भी 7 महीने पर भी, पहले साल 2 डोज और फिर हर साल 1 डोज जब तक आपको इम्यूनिटी चाहिए, या फिर अंटिल 5 ईयर्स ऑफ एज तो ये रिकमेंडेड है ही कि आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगवाना चाहिए अपने बच्चे को। तो ये थी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वाली बात। जो तीसरा चेंज हुआ है वो चिकन पॉक्स वैक्सीन के सेकेंड डोज को लेकर हुआ है। पहले चिकन पॉक्स जो है उसका पहला डोज जो हम 15 महीने पर लगाते थे और दूसरा डोज जो हम 5 साल पर लगाते थे, लेकिन इसका जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल की वजह से ब्रेक थ्रू वेरिसेला के केसेस बहुत ज़्यादा आते थे। ब्रेक थ्रू वायरसेला का मतलब होता है कि चिकन पॉक्स का एक डोज लगने के बाद भी चिकन पॉक्स हो रहा है, यानी कि प्राइमरी वैक्सीन फेलियर हो रहा है, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी, सीरो कन्वर्जन होने के बाद भी, एंटीबॉडी टाइटस बॉडी में होने के बाद भी जो है वो प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है जो डिज़ायर्ड है। और इस ब्रेक थ्रू वायरसेला को लेकर जो स्टडीज़ हुई उसमें ये पाया गया कि सेकेंड डोज अगर जल्दी लगा दिया जाए 3 से 6 महीने के बाद ही पहले डोज के, तो उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 99% तक आता है, यानी कि जो उसकी एफिकेसी है वो 99% तक आती है। इसलिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पहले डोज के 30 से 6 महीने के बाद में ही सेकेंड डोज रिकमेंड किया है। तो अगर पहला डोज आप 15 महीने पर लगा रहे हैं तो दूसरा डोज 18 महीने से 21 महीने के बीच में लगवा लीजिए। उससे आपका जो चिकन पॉक्स है उसकी जो प्रोटेक्टिव एफिकेसी है वो 95% to 99% आ जाती है। इसलिए ये जो चेंज है ये किया गया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। मेनली चिकन पॉक्स दो ब्रांड्स में ही आता है, वेरिलिक्स में या फिर वेरीपेड में, और दोनों की जो कॉस्ट है वो 1800 से 2000 रुपये के बीच में है। तो आपको दो डोजेज लगवाने हैं, एक 15 महीने पर और एक 18 महीने पर, यानी कि 3 महीने बाद दूसरा डोज लगाना है। चौथा जो चेंज हुआ है वो एक नया कॉन्जुगेट वैक्सीन लॉन्च हुआ है, टाइफी बैव। और जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसने ये नया शेड्यूल दिया है कि आप टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का सिंगल डोज लगाओ 6 महीने पर ही। 6 मंथ्स पर जब आप फ्लू का वैक्सीन लगाते हो तभी आप टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का भी एक डोज लगाओ, और ये सिंगल डोज ही काफ़ी है। पहले टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के 2 डोजेस रिकमेंडेड थे, पहला डोज जो है वो 10 महीने पर लगाते थे और दूसरा डोज जो है वो 2 साल पर लगाते थे। लेकिन इस साल जो है वो चेंज किया है, इस साल ये चेंज हुआ है कि एक ही डोज लगेगा, सिंगल डोज टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का लगेगा, 6 महीने की उम्र पे लगेगा, और सेकेंड डोज की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के सेकेंड डोज की यानी कि बूस्टर डोज जो 2 साल पर लगता है उसको हटा दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंगल डोज 6 महीने की उम्र में लगता है और एक डोज 6 महीने से 45 साल की उम्र तक टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का आप कभी भी लगवा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आपको बचपन में टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का डोज नहीं लगाया तो आप 45 ईयर्स की उम्र तक, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है या आपको लगता है कि आपको बार बार बाहर का खाना खाना पड़ता है और आपको टाइफॉइड होने की संभावना है, तो आप 45 ईयर्स की एज तक सिंगल डोज टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का लगवा सकते हैं, जो कि 1800 से 2000 रुपये की रेंज में आता है। तो ये 4 मेन चेंजेस हुए हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2020-21 में, जो इंडियन पीडियाट्रिक्स ने या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रिकमेंड किए हैं। इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।